बॉक्स ऑफिस और मीडिया की तरफ से बार बार इसी बात को रिपीट किया जा रहा था, रिपीट मोड पर ऑन कर दिया गया था कि ब्रह्मास्त्र 410 करोड़ के बजट में बनी है और इसने तो छप्पर फाड़ कर कमाई कर दी है। इसने हॉलीवुड की फिल्मों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसने यूनिवर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल्म इतना कमा चुकी है कि ये एशिया में जितने भी देश हैं उनकी जीडीपी से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है, यहाँ तक कि इंडिया की अपनी जीडीपी से आगे निकल चुकी है और खुद का अपना एक देश तक बना सकती है, इतनी जीडीपी हो गई है इस फिल्म ब्रह्मास्त्र की। एलन मस्क और जेफ बेजोस तो ये सब पानी भरते हुए नजर आएंगे करण जौहर के सामने, लेकिन बॉयकॉट करने वाले जो लोग थे वो पहले दिन से ही अपनी बातों पर कायम थे कि कहीं ना कहीं फिल्म में कुछ तो झोलझाल गड़बड़ झाला है ही। जो लोग फिल्म देखकर आ रहे थे वो लोग यही बोल रहे थे कि फिल्म का वीएफएक्स अच्छा है लेकिन फिल्म की कहानी पूरी तरह से कचरा है और एक्टिंग में, किसी की भी एक्टिंग में वो दम नहीं है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, रणबीर कपूर हो, आलिया भट्ट हो या कोई भी हो, किसी को एक्टिंग करने का मौका ही नहीं मिला, बस फिल्मों में लोग भाग ही भाग रहे हैं। इस फिल्म के डायलॉग तो बिल्कुल टिकटॉक लेवल के थे, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के माने तो ये फिल्म अपने आप में बहुत बेहतरीन फिल्म है। अब देखिए, जनता की बातों पर भले ही यकीन ना हो कि जनता इस फिल्म को नकार रही है या जो भी कह रही है, या बहुत सारे न्यूज पे ये भी कहा गया कि फिल्म उस लेवल की नहीं है, बॉलीवुड वाले इन बातों को ना माने, लेकिन आंध्रा बॉक्स ऑफिस जो साउथ की फिल्मों का रेटिंग देती है, रिव्यू देती है, कलेक्शन करती है, एक पोर्टल है फिल्मों से रिलेटेड, उसने जो ट्वीट किया है ये बॉलीवुड वालों को बुरा लग सकता है और इनके ट्वीट को आप कैसे नकारोगे। फिल्म का बजट बताया जा रहा था 410 करोड़, लेकिन फिल्म का बजट आंध्रा बॉक्स ऑफिस के हिसाब से 650 करोड़ का है। आंध्रा बॉक्स ऑफिस के हिसाब से इंडिया में इस फिल्म ने 168 करोड़, विदेशों में 78 करोड़ और कुल मिलाकर 246 करोड़ कमाए हैं। इस लिहाज से फिल्म जो है वो अपनी पूरी बजट का सिर्फ 38% ही पूरा कर सकी है, अभी भी बहुत दूर है। अगर बॉलीवुड वालों को लगता है कि आंध्रा बॉक्स ऑफिस ने गलत रिपोर्ट दी है तो जाकर उनसे बात करनी चाहिए कि भैया तुमने गलत रिपोर्ट क्यों दी है, या खुद का अपना कोई रिपोर्ट जारी कर दे। देखिए, अगर इस फिल्म का बजट 200 करोड़ का होता और ये फिल्म अब तक 225 करोड़ 246 करोड़ जो भी कमाई है तो हम कह सकते थे कि फिल्म सुपर डुपर हिट है, लेकिन फिल्म का बजट अगर 650 करोड़ का बताया जा रहा है तो ये फिल्म तो बहुत दूर है अपनी सफलता से। और जो लोग कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस, हिंदुत्व का केस, रणवीर कपूर के बीफ खाने वाले बयान के बाद बॉलीवुड की फिल्मों का बॉयकॉट नहीं हो रहा है, तो वो लोग गलत हैं। फिल्म का बॉयकॉट वाकई में काम कर गया है।